Namaste. Hey guys, a very good evening and welcome back to my channel Sanjana's Nest. Hope आप सब ठीक होंगे. मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ. And आप लोग सोच रहे होंगे कि आज अचानक क्या हो गया कि मैं इस तरह से बैठी हूँ. बहुत टाइम के बाद फिर मन किया कि मैं आप लोगों से बातें करूँ. काफ़ी टाइम हो गया था मैं इस तरह से बैठ कर बातें नहीं कर रही थी. एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करना है जो आज की डेट में बहुत ज़्यादा हो रहा है. इट वॉज सो अनएक्सपेक्टेड कि वो हमारे साथ भी हुआ, तो इसलिए बस मैं ये शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ. उससे पहले कल हमारा थोड़ा फन था घर पे, मतलब फैमिली गैदरिंग था. आई कैन सी दैट पीपल आर रियली वॉचिंग माई वीडियो. मतलब वो जो हमने घर पे एक दशहरा सेलिब्रेशन, मतलब नॉट दशहरा सेलिब्रेशन, दशहरा तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन एक होता है ना गेट टुगेदर, हम सबके घर पे था. मेरी कज़न के घर पे भी होगा तो मैं वो भी क्लिक करूँगी. तो वही था, फिर इन्जॉय किया. फिर भी मैं पूरा वीडियो नहीं क्लिक कर पाई गाइस. इतना मज़ा आया ना. फ्रेंड्स के साथ एक अलग मज़ा होता है, फैमिली के साथ एक अलग मज़ा होता है. मतलब फैमिली के साथ ना मेन ये होता है ना कि वो बचपन की बातें, वो यादें, मतलब मज़ा आता है. सो इट इज़ फन. तो हमेशा होना चाहिए गेट, कि साल में एक बार तो होना ही चाहिए टू बिल्ड दैट स्ट्रॉन्ग एक स्ट्रेंथ जो होता है ना फैमिली में, यूनिटी. सो हमने सिर्फ यंगस्टर्स को ही इन्वाइट किया था. वैसे तो बड़ों में एक तो ही लोग थे, घर के लोग थे. बाकी हमने सिर्फ जो मेरे भाई बहन, मेरे जीजू, मेरे बहू वगैरह, हम बस जो हम यंगस्टर्स हैं हमारी ही पार्टी थी. वी एंजॉयड अ लॉट, इट वाज टू मच फन, बहुत मज़ा आया. एंड हाँ जी, जिस रीज़न से मैं यहाँ पर बैठी हूँ वो ये है कि कुछ टाइम से ना हो गया, एक दो महीना हो गया, हमारा जो इंटरनेट था वो, जैसे मेरी बहन आठ नौ घंटे इंटरनेट पे होती है बिकॉज उसका ऑफिस चल रहा होता है वर्क फ्रॉम होम. मेरा जो ब्रदर इन लॉ है वो भी अराउंड 8 to 9 आवर्स वर्क फ्रॉम होम करता है, तो वही इंटरनेट के ही थ्रू सब कुछ होता है. हमारा टीवी, मतलब एवरीथिंग, फ़ोन, मोबाइल, वो सब कुछ इंटरनेट से ही चलता है. एक दो महीने से ना वी वर एक्सपीरियंसिंग स्लो, बार बार वो अटक रहा है. हम इतना पैसा देकर हमने नेट लगाया है, हर महीने हम अच्छा खासा पे कर रहे हैं, हमने अच्छी कंपनी का लगाया, फिर भी इट इज़ नॉट वर्किंग. बस बीच में ना अटक जाता है, नेट चला जाता है, मतलब बहुत इश्यूज आ रहे थे. तो आज से एक हफ्ते पहले हुआ था, बट मैं ना एक्चुअली मेरे दिमाग से निकल गया था, मैं बोली, मतलब मैं भूल गई बताना. माई फॉल्ट, सॉरी. बिकॉज ये इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि ये सबको पता होनी चाहिए कि ऐसा भी होता है. एंड जो ये करते ना, बिलीव नहीं करोगे कि मतलब वो लोग कर रहे हैं. सो इंटरनेट स्लो चल रहा था हमारा, है ना, समझ ही नहीं आ रहा. ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, एक दो महीने से ऐसा हो रहा है. तो ना 2 हफ्ते पहले पापा को ना किसी ने बोला कि हमारे पड़ोसी में से किसी ने बोला कि वैसा थोड़ा देखिएगा, इंटरनेट चोरी हो रहा है. तो पापा ने शायद उनको, पता नहीं पापा लोग को इतना इंटरनेट के बारे में पता नहीं होता, तो पापा ने, अब उनको शायद नहीं समझ आया क्या, बट फिर भी उन्होंने आके घर पे बताया कि मतलब इंटरनेट चोरी हो रहा है तो थोड़ा ध्यान रखना. हम बोला कमाल यार, पासवर्ड होता है, कौन चोरी करता है. वी अंडरस्टैंड हैक करते हैं ये वो, यहाँ पे हमारे यहाँ कौन हैक करेगा यार. सो इट इज कंटिन्यूइंग. फिर उसके कुछ टाइम के बाद ना सडनली वो ना, तो एक माइंड में ना मैंने स्ट्राइक कर गया. हमने देखा कि जो हमारा इंटरनेट का जो मेन पोल है, जहाँ से हमारा इंटरनेट घर तक एक तार आ रही है, उस पोल के नीचे ना हमेशा कभी 10-15 बच्चे जो हमारे एरिया के हैं भी नहीं, थोड़ा सा मतलब जैसे होता है ना हमारे एरिया के थोड़े से पीछे वो है, थोड़ा सा मतलब झोपड़पट्टी टाइप के घर है, तो वहाँ के बच्चे आके बैठते थे. काफ़ी बार अंकलों ने डांटा भी था उन लोगों को कि मत बैठा करो ये वो, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे होता है कि दिन को ना ये बच्चे घूमते हैं, दे गिव इन्फॉर्मेशन, एंड रात को चोरियाँ होती हैं. तो ये मना किया था इन लोगों को, बट देख रहे थे कि वो आते हैं, बैठते हैं, फिर कोई टिकटॉक बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब
कुछ ना कुछ वहाँ पे एक्टिविटी होता रहता था, तो हमें लगता था ठीक है लोग लोकेशन अच्छा लगता होगा तो वो कर देंगे। कभी देख रहे 5 लड़का बैठा हुआ है, कभी देख रहे 10 लड़का बैठा हुआ है, बट स्टिल वी डिड नॉट से एनीथिंग। एंड लास्ट वीक सडनली ना मेरी बहन ऑफिस का काम करती है एंड नेट बंद हो गया, तो उसको बहुत मेरे को ना घूमे जा रहा घूमे जा रहा घूमे जा रहा, वो बफरिंग हो जा रहा हो जा रहा, ऐसा तो नहीं होता था। तो हम लोग सोच रहे थे कि पासवर्ड चेंज करेंगे, बस हम भी सोचते ही रह गए। इवन वी हैव टेकन इट फॉर ग्रांटेड बिकॉज हमें लगा कि क्या बच्चे तो बैठे, बच्चे मतलब वो कितने एज के होंगे, दे वर अराउंड ऐसे 12-10 साल के हैं, कई लोग 12 साल के हैं, मैक्सिमम 15 साल तक के बच्चे बैठते हैं। तो हमने सोचा कि लेट्स सी। सो हमने क्या किया, कुणाल को बोला पासवर्ड चेंज करो, मैं इनका रिएक्शन देखती हूँ। जो बाहर वो उस दिन सिर्फ 3 बच्चे थे, मैं इनका रिएक्शन देखती हूँ। तो कुणाल ने यहाँ पे पासवर्ड चेंज किया, जैसे पासवर्ड चेंज किया ना उन्होंने थोड़ी सी हलचल मच गई, एक उठ के अचानक दूसरे एरिया में जाके बैठ के ट्राई कर रहा है, फिर दूसरा ही, फिर भी हमें नहीं पता चला। एंड सडनली मेरे को ना सुनाई थोड़ा जल्दी देता है, सडनली एक बच्चा बोला पासवर्ड चेंज कर दिया, पासवर्ड चेंज कर दिया। मैंने बोला यस पासवर्ड चेंज किया, तुम लोग यहाँ बैठ के क्या कर रहे हो। ये जो भागे हैं ना वो बच्चे वहाँ से, एंड गाइस वो हमारा ही इंटरनेट चोरी करके वो यूट्यूब या जो भी कर रहे थे मोबाइल पे। फिर हमने उन लोगों को थोड़ा सा डर आया कि क्या FIR कर दे, आपको पता है लाइक इंटरनेट चोरी करना इज इलीगल, ये वो सब कुछ थोड़ा सा डराया, बच्चे ही तो थे। बट बच्चे उनका पर्पस मुझे, व्हाट आई थिंक इज, मुझे नहीं लगता कि उनका पर्पस कोई उनका इंटेंशन कुछ हार्म करना नहीं था, उनको बस मस्ती चाहिए था, उनको इंटरनेट चाहिए था सो दैट दे कैन लाइक यू नो वॉच यूट्यूब या जो भी उनको देखना है, उनको इंटरनेट चाहिए था बस। पूरा सुबह 9 बजे आके बैठ जाते थे एंड वो लोग जाते थे अराउंड 3-4 बजे, शायद भूख भूख लगती होगी तो खाना खाने जाते होंगे, फिर रात को तो नहीं बैठते थे जहाँ तक हमें पता है। सो वी वर शॉक्ड गाइस, वो बच्चे पिछले 1-2 महीने से आके बैठ रहे, मतलब वो स्कूल नहीं जाते एंड दे नो हाउ टू हैक पासवर्ड। गाइस हमें नहीं आता यार, एंड हमें लगा कि अब ये बहुत मतलब ऑब्वियसली इट्स वेरी वेरी डेंजरस। नॉट ओनली दैट, हमारे यहाँ सोसाइटी में लड़कियाँ हैं, बेटियाँ हैं, मैंने 1-2 बच्चों को थोड़ा गलत एक्टिविटी भी करते हुए देखा था, मैंने बहुत गंदी तरह से डांटा था, सो वी कैन ट्रस्ट देम। तो एक ना सोसाइटी में एक डर होता है कि अगर वो इस तरह से एक गैंग बना के या अड्डा मार के बैठेंगे तो दैट इज़ नॉट गुड गाइस। फिर हमने उन लोगों को थोड़ा डांटा, उस दिन के बाद वो लोग आज तक वापस नहीं आए, बिकॉज इन अब आई विल नॉट अलाउ एनी बडी टू सिट उस एरिया में या कहीं भी जो इस सोसाइटी के नहीं है। ऑब्वियसली इफ दे आर नॉट फ्रॉम दिस सोसाइटी वाई आर दे कमिंग एंड सिटिंग देयर फॉर 8-10 आवर्स, कुछ तो मतलब है उसका। तो इसलिए आप लोग भी आसपास देखना, ये मत सोचना कि इनको नहीं आता या उनको नहीं आता, हम कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि इतने छोटे छोटे बच्चे इंटरनेट चोरी कर सकते हैं। अब हमने एक सोचा है कि हम हर मंथ पासवर्ड चेंज करेंगे सो दैट ये इंटरनेट चोरियाँ ना हो। पता नहीं क्यों ऐसे हो गए हैं आज के बच्चे, एंड कुछ ऐसे इनसे गाइज आई हैव सीन मैनी लाइक यू नो, मैं 100% मतलब ये जो बच्चे थे ना मैं 100% कह सकती हूँ ये स्कूल नहीं जाते शायद, मतलब 2-2 महीने से वो कैसे बैठ सकते हैं 8 से 9, मतलब 9 से 4 बजे तक, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो वही चीज़ें हैं मैं, बिकॉज देखिए हमने तो बच्चा या सोच के हमने छोड़ दिया छोटे छोटे बच्चे बोल के, हर बंदा नहीं छोड़ेगा, हर बंदे की सोच एक नहीं होती। अगर अरेस्ट करा दिया तो इट विल बी प्रॉब्लम द पेरेंट्स ऑल्सो, मैं ये नहीं कहती कि नज़र रखो बच्चे पे, बट प्लीज़ उनको बचपन से ना अच्छी चीज़ें सिखाओ, अगर वो बिगड़ गए तो अब अच्छी चीज़ें सिखाने के बाद भी बिगड़ गए तो अब कांट डू एनीथिंग, बट फिर भी अपनी तरफ से
ट्राई हमेशा करना चाहिए। ट्राई तो क्या, अपने बच्चे अच्छे तो खुद ही अच्छा ही लगता है, तो वी शुड ऑलवेज टेल देम, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो किसी का सामान हो, कोई भी चीज़ हो, चोरी चोरी होती है गाइज, एंड दे शुड नॉट डू दिस। सो मैं हमेशा भूल जाती थी, मैं कब से सोच रही कि आप लोग इस बारे में बताओ। वैसे हम बहुत छोटी जगह पे रहते हैं, मतलब हम इंडिया में बहुत ही छोटे शहर में रहते, एक बहुत छोटी जगह पे रहते, वहाँ पे इंटरनेट चोरी हो सकता है? तो गाइज आई डोंट नो अबाउट अदर प्लेसेस, सो बी वेरी 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 केयरफुल। आप लोग बस ये ध्यान रखना कि अगर आप लोग का इंटरनेट वगैरह स्लो हो रहा है तो क्या रीज़न है, पहले तो फ़ोन करके पूछो जो प्रोवाइडर है उनको कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, एंड सेकेंडली अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो प्लीज़ कीप आई अराउंड कि क्या है जो लोग, मतलब इट्स ऐसे यूट्यूब वगैरह ऐसी चीज़ें हैं ना गाइस, इट्स ऑल क्यूरियोसिटी लोगों को, दे वॉन्ट टू नो मोर, दे वॉन्ट टू सी मोर, दे वॉन्ट टू लाइक गेट इन्वॉल्व इन यूट्यूब, सो बी वेरी वेरी केयरफुल, इट्स सेफ, मतलब ऑब्वियसली सेफली, मतलब आपको अपना इंटरनेट, तो वही है ना, बच्चों को बस जानना है, इंस्टाग्राम चलाना है, फेसबुक चलाना है, यूट्यूब चलाना है, तो उसकी वजह से ना ये थोड़ा सा हो रहा है ये चीज़ें। सो गाइज इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट दैट हमें आसपास क्या हो रहा है वो चीज़ें वी शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ, बिकॉज हमारी चोरी तो रुकेगी, प्लस वो बच्चे भी, ठीक है उनको वो चाहिए तो वो यहाँ पे उनको स्टॉप हो गया, वो कहीं और जाके करेंगे नहीं करेंगे, बट स्टॉप करना वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वी शुड डेफिनेटली स्टॉप देम। सो ये मुझे बताना ही बताना था, बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, मतलब ये सो अनएक्सपेक्टेड था हमारे लिए, मतलब हम लोग ना चौंके थे, हैं ऐसा भी होता है, मतलब हमारे यहाँ के बच्चे भी इतने स्मार्ट है कि उन्होंने हमारा पासवर्ड हैक कर लिया, एंड दिस इज़ नॉट गुड गाइस, दिस नॉट, चोरी किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं है, सो वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट। ये इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी था, इसलिए मतलब मैंने ये वीडियो बनाया, क्योंकि आज पे मैंने ये वीडियोज वैसे क्लिक भी नहीं किए, क्योंकि कल जो भी था पार्टी वार्टी उसका पूरा क्लीनिंग करना था, जो मैंने पूरा सुबह से अभी तक क्लीनिंग किया, एंड इवन आदू इज़ नॉट फीलिंग वेरी गुड वेरी वेल, उसको भी खाना वाना भी नहीं खा रही थी, तो इसलिए फिर मुझे वीडियो भी इतना बनाने को मन नहीं किया, तो और फिर मुझे लगा कि ये इन्फॉर्मेशन मैं आज ही दे देती हूँ, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, सो टेक केयर गाइज, एंड अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड यस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, एंजॉय।